गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप क्लास ट्वेल्थ। टुडे न्यू टॉपिक लेंस मेकर फार्मूला। वी विल स्टडी न्यू टॉपिक लेंस मेकर फार्मूला एंड डिटर्मिनेशन फोकल लेंथ ऑफ अ थिन ऑफ लेंस। ओके, यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर लेंस एंड हेयर पुट ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन इमेज हेयर। यानी फर्स्ट सरफेस से आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा इधर होगा, फिर यही इमेज सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, और ये इस ऑब्जेक्ट से जब इमेज का फॉर्मेशन होगा सेकेंड सरफेस से, तो यहाँ पे होगा आई पे। इसकी लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ यू है, जो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो भी टेस्ट हुआ है। ये ऑब्जेक्ट से जब सेकंड सरफेस के लिए इमेज का फॉर्मेशन हुआ है तो आपका आई पे हुआ है, जिसका लेंथ भी है। लेंस के बोथ साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन है, इधर भी आपका म्यू वन है। ये आपका फर्स्ट सरफेस है और ये आपका सेकंड सरफेस है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का है, तो म्यू एन इज लेस देन म्यू टू। ओके, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू है। फ्रॉम रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस, इस फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या था, म्यू टू अपान भी माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू वन अपान म्यू वन म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर वन या आर। तो यहाँ देखें म्यू टू अपान भी डैस, म्यू टू अपान भी डैस क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इमेज है, इमेज का लेंथ है। भी डैस म्यू टू अपान भी डैस माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन। फर्स्ट रिफ्लेक्टिव सर्फेस आपका आर वन है, ये फर्स्ट हो गया। फ्रॉम सेकेंड सर्फेस, सेकेंड सर्फेस के लिए आप देखें तो क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्रैक्टिंग फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू म्यू टू की जगह म्यू वन हो जाएगा। तो म्यू वन अपान भी माइनस म्यू टू अपान भी डैस माइनस टी। भी डैश माइनस टी क्यों होगा, क्योंकि आपके ये लेंस का जो थिकनेस है वो टी है, तो थिकनेस ऑफ लेंस इज इक्वल टू टी। और देखें फिर म्यू टू की जगह म्यू वन हो गया, म्यू वन की जगह म्यू टू, तो म्यू वन माइनस म्यू टू अपन आर टू। इफ टी टेंस टू जीरो, यदि टी टेंस टू जीरो यानी कि टी अप्रोच कर रहा हो जीरो को, तो जीरो को नेग्लेजिबल हो जाएगा, तो ये टी क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। म्यू वन अपन भी माइनस म्यू टू अपन भी डैस ओके इज इक्वल टू म्यू वन माइनस भी वन म्यू म्यू वन माइनस म्यू टू अपन आर टू इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड हम इक्वेशन लेके चलेंगे, दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो यहाँ देखें म्यू टू अपान भी डैस, यहाँ आप देखें म्यू टू अपान भी डैस, ये आपका प्लस में माइनस में, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर बचा यहाँ म्यू वन अपान भी, तो यहाँ हो गया म्यू वन अपान भी, और दूसरे में बचा म्यू वन अपान यू, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस म्यू वन अपान यू इज इक्वल टू सेकंड आए म्यू म्यू टू अपान म्यू वन अपान आर वन, म्यू टू अपान म्यू वन अपान आर वन प्लस क्या हो जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू अपान आर टू। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉमन ले लिए म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर टू। सेम यहाँ म्यू वन कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, वन अपान भी माइनस वन अपान यू, म्यू वन कॉमन ले लिए। अब चूंकि जानते हैं वी नो दैट वन अपान भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन वन अपान एफ, लेंस फार्मूला, इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन इसमें भी है, म्यू टू माइनस म्यू वन दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएगा, बचे क्या वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। ये भी लेंस मार्कर फार्मूला है। इफ म्यू वन क्या हो जाए, इफ एयर हो तो म्यू वन की वैल्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, वन। म्यू टू इज इक्वल टू हम क्या मान लें, म्यू, तो पुट कर दीजिए वैल्यू इसमें, म्यू वन की वैल्यू वन हो जाएगी तो वन बाई एफ हो जाएगा, म्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू हो जाएगी माइनस वन, तो वन अपान एफ इजक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, इट इज लेंस मेकर फार्मूला। ओके क्लियर।